मनोहर अपने माता पिता के साथ एक छोटे से शहर में रहता था। वह एक कंपनी में काम करता था जिसके पैसे से वह अपना घर का खर्चा, अपने परिवार का खर्चा चलाता था। कुछ वर्ष बाद मनोहर की शादी हो जाती है। उसकी पत्नी का नाम रिया था। रिया एक बहुत ही लालची किस्म की औरत थी। रिया को जब भी पैसे मिलते थे तो वह तरह तरह के कपड़े और गहने खरीद लेती थी। वह जब भी किसी समारोह में जाती थी तो हमेशा नए नए कपड़े गहने पहन कर जाती थी। जब उसके पास नए कपड़े और नए गहने नहीं रहते थे तो वह अपने पति मनोहर से जिद करके खरीदवा लेती थी। उसकी लालच से उसका पति भी तंग आ गया था। मनोहर ने रिया को हमेशा समझाया करता था कि हमारी कमाई इतनी नहीं है, मैं तुमको हर समारोह में जाने के लिए अलग अलग तरह के कपड़े और गहने खरीद कर लाया करूं। मगर रिया उसकी बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं होती थी। एक दिन जब रिया किसी समारोह में गई थी तब उसकी एक सहेली मनीषा उसके घर पर आई। मनीषा ने रिया की सास से उसके बारे में पूछा। रिया की सास ने मनीषा की सारी बातें बताई। मनीषा ने अब रिया को सबक सिखाने के लिए एक नई योजना बनाई। वह रिया के घर के सारे सामान को लेकर चली गई और राशन के डिब्बे में अपने गहने और नए कपड़े ला कर रख दिए। अब रिया समारोह से वापस आई तब वह किचन के डिब्बों में गहने देखकर बहुत खुश हो गई। शाम हुआ जब रिया खाना बनाने गई तब उसे राशन नहीं मिला। तब वह अपनी सास से पूछती है, सारा राशन कहाँ गया? उसकी सास ने जवाब दिया, मैंने सारा राशन, घर का सारा सामान बेचकर तुम्हारे लिए गहने कपड़े खरीद लिया है। तुम अब बदल बदल कर हर दिन नया कपड़ा पहनना। रिया बोली, मगर खाने के बिना मैं गहने और कपड़ों का क्या करूँगी? तभी उसकी सहेली मनीषा आई। उसने रिया को सब कुछ बताया, यह तुमको सबक सिखाने के लिए किया गया था। अब रिया को समझ आ गया था कि जीवन जीने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी भोजन होता है, ना कि बदल बदल के गहने कपड़े पहनना। अब रिया अपने पति की कमाई के अनुसार ही सारा काम करती थी और वह खुशी खुशी रहने लगे।